हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमित जॉब पोर्टल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं सीएचओ प्रिपरेशन की, उस सीरीज का ये वीडियो होने वाला है और हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बनाया उसमें कम्प्लीटली थ्योरिकल नॉलेज है, मतलब उसमें पीएच पीए पीए सीओ टू एच सीओ थ्री इन सबके कम्प्लीट डिटेल में नॉलेज दिया गया है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अगर हमारे हाथ में जो एबीजी की रिपोर्ट आ रही है तब उसे हम किस तरह रीड कर पाएंगे, ये कंप्लीट वीडियो इस बारे में हमें। आपको मेरे बैकग्राउंड में पीएच की वैल्यू दिख रही होगी 7.35 से 7.45, PaCO2 की वैल्यू दिख रही होगी 35 से 45 और HCO3 की वैल्यू दिख रही होगी जो कि होती है 22 से 26। हम लोग एक ABG की रिपोर्ट देखते हैं, जिस तरह ये आपको ABG की एक प्रिंटेड रिपोर्ट दिख रही होगी, इसमें क्या वैल्यूज है इंटरप्रेट कर सकते हैं ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह अभी आपको आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंटेड रिपोर्ट ABG की एक प्रिंटेड रिपोर्ट दिख रही है, साइड पे आपको ABG की नॉर्मल वैल्यूज दिख रही है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। सबसे पहले हमें हमारे स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारी, हम पीएच देखते हैं। तो पीएच है इसमें 6.956। अगर हम नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45। अगर 7.35 से कम है तो पेशेंट एसिडोसिस में है, मतलब ये पेशेंट जो है ये एसिडोसिस में है क्योंकि इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 7.35 से कम है। स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में हम लोग देखते हैं पेशेंट का PaCO2 की वैल्यू है 155 और नॉर्मल वैल्यू है 35 से 45। अगर हम लोग 155 की बात करें तो ये नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी में। अगर रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होगा, पर हमें तो अभी HCO3 हमारी स्टेप नंबर 3 कंप्लीट करनी है जो कि HCO3। थर्ड स्टेप में हम HCO3 देखते हैं। HCO3 की वैल्यू है 22, नॉर्मल वैल्यू आती है 22 से 26। HCO3 की वैल्यू नॉर्मल है, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है। ये था हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। उस दूसरा एबीजी देखते हैं। अब हमारे पास सेकेंड एबीजी है। सेकेंड एबीजी में भी हमें सेम स्टेप फॉलो कर दूंगी। हमारी फर्स्ट स्टेप होती तो यहाँ पर वैल्यू देखें तो हम 7.407 अगर हम लोग देखें नॉर्मल वैल्यू से जो कि 7.450 और 7.350, तो ये एक नॉर्मल पीएच है, मतलब पेशेंट की एबीजी में पीएच की वैल्यू नॉर्मल है। स्टेप नंबर सेकंड PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड 41 है, ये भी एक नॉर्मल है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 होती है। स्टेप नंबर थर्ड HCO3 की नॉर्मल वैल्यू 22 से 26 होती है और यहाँ पे 25 दे रखा है, मतलब ये नॉर्मल है। जो एबीजी है हमारे पास में एक ये नॉर्मल एबीजी है। अब हम लोग हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा एग्जांपल कुछ इस तरह है। हमें स्टेप फॉलो करने में सबसे पहले हमें पीएच देखना होगा, तो पीएच है हमारा 7.281, मतलब ये जो हमारी नॉर्मल वैल्यू 7.350 उससे कम है, मतलब पेशेंट एसिडोसिस में है। सेकेंड स्टेप है हमारा PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू यहाँ पर 66.5 और नॉर्मल वैल्यू होती है PaCO2 की 35 से 45।
और यहाँ पे 66 दे रखा है, मतलब PaCO2 गड़बड़ है, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। अभी हमें थर्ड स्टेप और देखना होगा इस स्विच के लिए। तो हमारी थर्ड स्टेप है HCO3। HCO3 की नॉर्मल वैल्यू 22 से 26 है और यहाँ पे दे रखा है 30.6 दे रखा है, मतलब HCO3 भी गड़बड़ है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें एक चीज समझना होगा कि हमारा, जिस तरह मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि CO2 होता है एसिडिक, अगर जहां कहीं भी CO2 की वैल्यू ब्लड में ज्यादा है मतलब CO2 होगा एसिडिक, मतलब ब्लड में उतना ही ज्यादा एसिड बनेगा। तो यहाँ पे CO2 की वैल्यू 66 है, मतलब ब्लड एसिडिक है। pH की बात करते हैं तो pH हमारा 7.28 है, मतलब pH भी एसिडिक है। तो ब्लड का जो एसिडिक होने का रीजन है वो CO2 है, CO2 बड़ा है इसलिए ब्लड एसिडिक हुआ है। अब यहाँ पे HCO3 इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि HCO3 जब बढ़ेगा, जब अगर ब्लड में एसिड ज्यादा है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें बाइकार्बोनेट आयन मिलाना होगा। तो जब बॉडी खुद से कंपनसेट करती है तो बाइकार्बोनेट आयन की रेंज बढ़ा देती है, तो बाइकार्बोनेट आयन की रेंज इसलिए बढ़ी है ताकि वो CO2 को न्यूट्रलाइज कर सके। ये जो है पार्शली कंपनसेशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या फिर इसे हम दूसरी भाषा में बोले तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिक्स डिसऑर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें